हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ के हर गोल को हासिल करने के लिए लाइफ के सिर्फ तीन सिंपल से बेसिक स्टेप्स। ठीक है, इन तीन स्टेप्स को अगर आप अच्छे से अपने एक्शंस में लाओगे तो आई एम श्योर दैट आप अपने जीवन के लाइफ के हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप लाइफ के हर गोल हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो अगर आप ये तीन बेसिक काम अपने दिमाग में अपनी लाइफ में कर लाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ड्रीम कार क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम कार में ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, अलग अलग कार के नाम रख लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी का नाम लेंगे। लेकिन फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करने वाले हो, तो उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने लाइफ में जो भी आपका लक्ष्य है उसको एक फिक्स करिए कि आप ये हासिल करना चाहते हैं। अगर आप SSC CGL निकालना चाहते हैं या UPSC निकालना चाहते हैं या PCS का कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं या कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो जस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, इस लक्ष्य को, इस पर्टिकुलर लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर गोल को हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए और उसके बाद उस पे एक्शन आपको करना है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपना एक गोल डिसाइड करें। दूसरा स्टेप आपका हो जाता है कि जब आप अपना गोल डिसाइड कर लें तब आप एक टाइम फिक्स करें। ऐसा नहीं है कि देखिए, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि SSC CGL की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग SSC CGL की तैयारी पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 6 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 5-6 कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन आपके पास एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इस टाइम तक मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, इस पर्टिकुलर टाइम तक मैं अपने इस लक्ष्य को हासिल करूंगा। आप जब तक एक टाइम फिक्स नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं होंगे। तो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर रहना है और गंभीरता के लिए आप अपने टाइम को फिक्स करिए कि मैं इस तारीख तक, इस ईयर तक, फलाने ईयर तक मैं इस लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। तो पहला स्टेप हो गया कि आप अपना एक लक्ष्य को डिसाइड कीजिए अपने दिमाग में। बी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट फिक्स अ टाइम लिमिट। आप एक टाइम फिक्स करिए कि आप इस पर्टिकुलर टाइम तक ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज दैट कि आप एक उस प्लान कीजिए, उस गोल को हासिल करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम में हासिल करने के लिए आप उसको प्लान बनाइए। आपका एक प्लान होना चाहिए और वो प्लान हर मंथ, हर वीक, हर डे के हिसाब से होना चाहिए। आपके पास एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए कि इस वीक में मैं ये चीजें करूंगा, अगले वीक में मैं ये चीजें करूंगा, उसके बाद में ये करूंगा, अगले महीने में ये करूंगा, उसके बाद में ये करूंगा और फलाने महीने में मैं ये काम करूंगा। यू शुड हैव अ क्लियर कट प्लान ऑन पेपर, नॉट इन योर माइंड, इट शुड बी ऑन पेपर। ये आपके दिमाग में नहीं, आपके पेपर पे होना चाहिए, आपके कागज पे होना चाहिए कि आप जीवन में क्या हासिल करने वाले हो और आप कैसे हासिल करने वाले हो। तो उस प्लान को प्रॉपर एक पेपर पे लिखिए। अगर आप उस पेपर पे लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं हैं। इसलिए अगर अपने लाइफ में किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो पहले उसको डिसाइड करो, एक टाइम फिक्स करो और उसके बाद एक प्लान बनाओ। एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, विच शुड बी ऑन पेपर। आई एम एम्फसाइजिंग इट दैट इट शुड बी ऑन पेपर, नॉट इन योर माइंड। तो आप एक प्लान बनाइए और उसको फिर आप उस पर एक्शन करना चालू कीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये तीन बेसिक से स्टेप्स हो गए। आपने जब उसको पेपर पे लिख लिया तो आप उस पेपर को अपने जहां कहीं भी आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल के सामने या कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप उसे रोज देख पाए, आप वहां पे उसको चिपका दीजिए, जिससे कि वो आपको रोज रिमाइंड कराएगा कि ये गोल था और आपने इसे हासिल करने के लिए डिसाइड किया था। तो आप उसको वहां पर पेस्ट कीजिए और दिन में 2 बार उसे जरूर देखिए, पूरे इस ईमानदारी के साथ और पूरी सीरियसनेस के साथ उस गोल को, उस प्लान को आप 2 बार देखिए और उसको देखिए कि कैसे आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। देखिए, वो आपने एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा, एक ओम शांति ओम का, कि
अगर आपने जीवन में किसी भी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपको लग जाती है। तो कायनात आपको उससे तभी मिलाएगी जब आप उस कायनात से मिलना चाहेंगे, उस पर्टिकुलर चीज से मिलना चाहेंगे। अगर आप खुद नहीं करना चाहेंगे तो कोई भी उसको मिलाने में आपके मदद नहीं करेगा। तो सबसे सिंपल से तीन बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है कि आप एक लक्ष्य को डिसाइड कीजिए, दूसरा है कि आप एक टाइम बाउंड प्लान बनाइए, और तीसरा है स्ट्रक्चर्ड प्लान बना के आप उस पर एक्शन लीजिए। और एक्शन का लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसाइड कर लिया वो भी ठीक है, टाइम डिसाइड कर लिया वो भी ठीक है, प्लान बना लिया वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर एक्शन नहीं लोगे इट विल बी ऑफ नो यूज। तो आपको उस पर एक्शन लेना है। ये तीन बहुत ही बेसिक लाइफ के स्टेप्स हैं। आप अगर इनको ट्राई कीजिए और इनके बारे में बहुत सीरियस होकर अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आप लाइफ के हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं जो बात मैंने आपको बताई वो आपको समझ आई होगी, एंड इट विल हेल्प यू इन एनी वे इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन वॉच अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।